बिहार पूर्व पापाड़ा का रहने वाला संदीप 4 मई को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब संदीप ने घर में फांसी लगाई तो उस वक्त वह घर में अकेला था, परिवार के लोग शादी में गए हुए थे। संदीप करीब 20 दिन से मोबाइल पर आने वाले फ्रॉड लोन मैसेज और कॉल से परेशान था, क्योंकि संदीप को उनकी मोबाइल पर अलग अलग नंबर से कॉल आता था। इस कॉल में उन्हें कॉलर बताया जाता था कि वह 5,000 का लोन लिया है, जबकि संदीप ने कोई लोन नहीं लिया था। साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स संदीप को मोबाइल को हैक करके संदीप के साथ एक लड़की की न्यूड अश्लील फ़ोटो बनाकर संदीप के दोस्तों, रिश्तेदारों और कंपनी में भी उसकी अश्लील फ़ोटो वायरल कर दिया था, जिससे मृतक संदीप बेहद परेशान हो गया था, जिसकी शिकायत संदीप ने अपने परिवार वालों को बताई थी। परिवार ने इसकी लिखित शिकायत पुरार पुलिस को दी थी, लेकिन उसके बाद भी साइबर फ्रॉड करने वाला संदीप को लगातार उसके इलाके में रहने वाले दोस्तों को भी संदीप के नाम से फ्रॉड मैसेज आते थे, जिसमें यह बताता था कि संदीप ने लोन लिया है, उसे चुपता करवाओ नहीं तो उसकी न्यूड फोटो वायरल करेंगे। ऐसी घटनाएं संदीप के कई दोस्तों के साथ हुई, जिनकी वो व्हाट्सएप डीपी पर लगाई गई तस्वीर को न्यूड बनाकर उसे व्हाट्सएप पर वायरल किया जा रहा था। क्या है यह पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी की यह खास रिपोर्ट मुंबई से। इस वक्त उपस्थित है संदीप कोरगांवकर के घर पर, जहां पर उन्होंने अपने घर में दोपहर के करीब 12 बजे फांसी ली थी। इसका महज कारण यह बताया गया कि संदीप को एक व्हाट्सअप मोबाइल के जरिए फ्रॉड मैसेज आता था, जिसमें बताया जा रहा था कि संदीप ने 5,000 रुपये का लोन लिया है, जिसे चुकता नहीं करने पर उनकी तस्वीरें एक लड़की के साथ मॉर्फ कर वायरल की गई, जिसकी वजह से संदीप काफ़ी परेशान थे। इस परेशानी को लेकर लगातार परिवार वालों ने मुंबई की कुरार पुलिस से जानकारी दी, लेकिन कुरार पुलिस की तरफ से उचित पहल नहीं की जाएगी, इस तरह का आरोप लगाया। फिलहाल तस्वीरें बताएंगे कि यह संदीप कोरगांवकर का घर है, जहां पर संदीप 4 मई के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास, जब घर में कोई नहीं था, परिवार के लोग शादी में गए थे और उनकी मिसेज जो है काम पर गई थी, इसी दौरान यह पूरी घटना हुई है। तो तस्वीरें दिखा देंगे एक बार कि किस तरह से संदीप कोरगांवकर ने इसी घर में फांसी लगाई। फिलहाल परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, ये उनकी मिसेज है और उनके भाई यहाँ मौजूद है, पिताजी अंदर है और माताजी है। फिलहाल उनके भाई से हम सबसे पहले रूप ये मैटर की वजह से, मतलब मैसेज आने लगा, इस वजह से फांसी लगा। किस तरह का मैसेज आता है ये फालतू तो मैसेज, मतलब बेकार बेकार मैसेज, इज्जत का कचरा कर रहे हो लोग, सब जगह मैसेज फैला रहे थे। कहाँ कहाँ मैसेज? उसके जिधर जॉब कर रहे थे उधर कंपनी में जॉब, सब जगह मैसेज जा रहे थे। कुछ तस्वीरें भी बनाकर वायरल की? हाँ, तस्वीरें सब, मतलब लेडीज लोग को ज़्यादा करके गए थे वो मैसेज। किस तरह का मैसेज था, उसमें क्या कुछ बताया जा रहा था, क्या कुछ लिखा था? लोन है करके, वो एक किया नहीं करके, और फोन लगने जाए तो उन लोग का फोन नहीं लग रहा था हम लोग के यहाँ से। क्या संदीप ने इस बारे में कोई आप लोगों से कभी जिक्र किया था? मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा हो रहा था करके, मेरे को मैसेज आ रहा है, मेरा इज्जत का पूरा कचरा हो गया, तुम लोग आ जाओ बॉम्बे में करके, सबको लेके आ जाओ करके। क्या संदीप ने कभी कोई लोन लिया था? लोन तो नहीं लिया था, मैं उनको पूछा भाई लिया होगा तो भर दे पैसा, तो बोला मैं पैसा लिया ही नहीं, तो काय के लिए भर पैसा। अच्छा, तो इस बीच में संदीप ने परिवार वालों को बताया या अपनी मिसेज को बताया कि किस तरह के मैसेजेज आ रहा है? और संदीप को दोस्तों से भी आपको मैसेज आ रहा था? संदीप के सबके दोस्त लोग को मैसेज वायरल हो गया था। क्या संदीप के दोस्त लोग क्या कर रहे थे आप लोगों से? हम लोग से पूछ रहे थे क्या भाई जवाब क्या है, हम लोग को मैसेज आ रहे थे, हम लोग का नंबर क्यों दिया तू? तो मैं बोला मैं खुद मेरा भाई का देता था, तुम लोग का काय के लिए दे, मांगता है तो जाके कंप्लेंट करो। जिस वक्त संदीप ने फांसी लगाई उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हाँ, जब हम लोग, मैं मेरे काम पे ड्यूटी पे गया था, वो लोग बाकी घर वाले, उसकी वाइफ जो है वो स्कूल में जॉब करे उधर गए थे, मेरे मम्मी पापा शादी के लिए गए थे। क्या पुलिस ने इस बीच कोई सांत्वना दिया या कुछ बात कही आप लोगों से? ये इस टाइम पे अगर पुलिस ने उस टाइम पे अगर रिस्पॉन्स लेता था तो ये घटना नहीं होता था, अगर पुलिस वाले ने उस टाइम पे आगे पीछे किया इसके से हो गया। तो बिल्कुल हम लोग जब कंप्लेंट करने गया था तब पुलिस वाले ने रिस्पॉन्स ले लेता था तो कुछ होने वाला ही नहीं था ना, लेकिन बोला बाद में देखते हैं करके पुलिस वाले ने बोला आगे पीछे हो गया, इसकी वजह से हो गया। तो फिर एक बार दिखाएंगे संदीप की मिसेज से, हालांकि वो इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या संदीप ने कभी लोन के बारे में कोई चर्चा की थी आप लोगों से? नहीं, लोन नहीं लिया था, की नहीं थी। परेशान थे जब संदीप, क्या उस बीच आप लोगों से कोई बातचीत कहा था संदीप की मैं परेशान हूँ या कुछ ऐसी बातें? वो भी नहीं बताया था मुझे, अभी परेशान है वगैरह कुछ भी नहीं बताया था।
बिल्कुल संदीप की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, लेकिन उनके भाई साहब का कहना है कि संदीप ने इस बात का जिक्र किया था कि व्हाट्सएप के जरिए एक फ्रॉड कॉल उन्हें बार बार अलग अलग नंबरों से आ रहा है। उनके दोस्तों को भी वह कॉल गया था जिसमें उनके दोस्तों ने संदीप के परिवार वालों से और संदीप और बाकी लोगों से बार बार ये पूछते थे कि ये किस तरह का मैसेज है, क्योंकि जो मैसेज था वो वल्गर मैसेज था। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन संदीप के दोस्तों की भी जो तस्वीरें माफ़ करके उन पर जो अश्लील तस्वीरें किसी लड़की के साथ मिलाकर इस तरह की वायरल की जाती, लिहाजा संदीप की कंपनी में भी इस तरह का मैसेज घुमाया गया कि संदीप जो है किसी लड़की के साथ अफेयर है, गलत काम किया है, लोन लिया है, उस पर चर्चा करने के लिए भी संदीप परेशान थे। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। फिलहाल उनके माता पिता भी हैं, उनकी माँ है, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे कि क्या संदीप ने कभी कोई इस बात का जिक्र किया। माता जी आप बताइए कि संदीप जिस वक्त टेंशन में थे, क्या वो जानकारी आप लोगों को दिया था? हाँ, टेंशन में जो होता है, खोटे खोटे मैसेज आए लगले, खोटे अकवा बसर ली, मनु तो टेंशन में जो होता, आम्मी सांगून बगला तेज का समझूत है ना, काम है मर त्याचे गेले मैसेज तो इतनी हा जा इज्जत जा जा पोलीस स्टेशनला गेलो, पोलीस स्टेशन आम ची है ना ऑनलाइन वर खोटे खोटे या गेले, आता माझ्या कुटुंब रस्त्यावर इला त्याचा जबाबदार पोलीस स्टेशन नहीं ऑनलाइन त्यांनी रावायचा। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने FIR लिया और इस पूरे मामले की गंभीरता से अब जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये बताया, दिनांक 4 मई को एक शख्स है जिनका नाम है संदीप, उन्होंने एक सुसाइड किया था। इंक्वायरी में पता चला कि उनको कुछ कॉल आ रहे थे रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए, और उनको फोटोग्राफ्स मॉर्फ करके उनको भेजा जा रहा था। उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जहाँ काम करते हैं उनको भेजा जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, उनको थ्रेटन किया जा रहा था, ऐसा भी सामने आ रहा है। तो एक कुरार पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज है अंडर सेक्शन 306 और हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक कैश फ्लो नाम का एक ऐप है, जैसे कि उसको अगर डाउनलोड करते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल का जो डेटा है, जैसा कि फ़ोटोज़ है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सब जो है सामने वाले के पास पहुंचता है, और इसी का फ़ायदा ये उठा के ब्लैकमेल करने की या थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। हम ये ज़रिए लोगों को भी हम विनती करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि इस तरह के अगर कुछ मैसेजेस आते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दीजिए, हम गुनाह दाखिल करके तपास करेंगे। और ऐसे जो कुछ ऐप्स है जैसे कि कैश फ्लो है, तो ऐसे एक ऐप जो है आप बिना समझे उसको डाउनलोड ना करें।